Jelena Heather is a human rights attorney specialized in defending women rights. She provides free counseling and legal services to poverty-affected women. She's the first female attorney of her Hazara community, an ethnic minority group in Balochistan province of Pakistan, which is frequently victimized. In 2020, for her courage and achievements, she received International Woman of Courage Award by the US Secretary of State. She has also received Human Rights Commission Award in recognition of her services to human rights in Pakistan. Let's hear from her about her early life and childhood. मेरी फैमिली भी ऐसे ही एक नॉर्मल फैमिली थी. वी वर नॉट सो रिच और पुअर भी नहीं थे. मतलब रिसोर्सेस थे हमारे पास, अच्छी लाइफ थी. और ग्रो अप अमंग नेचर, हमारे घर हरबन के दरख्त होते थे, अखरोट के, अनार के और बादाम के और एवरीथिंग, और हर रंग के फूल. तो इट वॉज लाइक ऐसा था कि जो नेचुरली जो बहुत हर इंसान के पास जो होनी चाहिए बेसिक चीजें वो थी. उसी के साथ जो है फिर जो अर्ली एजुकेशन के हवाले से मैं बहुत जीनियस तो नहीं थी कि मैं टॉपर रहूँ, बट अच्छी थी और टीचर से सवाल बहुत करती थी. कंपेरेटिवली बहुत शरारती थी, मेरी सहेलियाँ थी, सो सो मच टॉकटिव एंड चैटर बॉक्स, तो हम एक बेहतर ही होते थे. इसके अलावा जो है अर्ली लाइफ में मेरा जो पसंद था वो आई यूज टू रीड बुक्स, और उसमें मैं फिलोसफी पढ़ती थी. खेलने फिजिकल खेलने में इतना मैं शौकीन नहीं रहती थी ना, कि मुझे फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करना पड़े, तो आई चूज टू रीड बुक्स और उसमें फिर स्टोरीज होता. फिर थोड़ा सा लाइक 11 एज में आई राइट अब्बा की किताबों से जो फिलोसफिकल साइड था, जैसे विल ड्यूरेंट का और हिस्ट्री में जैसे तो उसके बाबरी जैसे किताबें मैं निकाल के पढ़ती थी, विच वॉज नॉट ऑफ माई एज बेसिकली, बट वो मैं पढ़ती थी. और मुझे फादर एक प्रोग्रेसिव लिबरल आदमी थे, ही वॉज लाइक इनिशियली ही टोल्ड अस अबाउट दिस विमेन राइट और बराबरी. और अपने मेरे अब्बा बहुत प्रोग्रेसिव आदमी थे और मेरे अम्मा भी. मेरे अब्बा को कभी भी जो कबायली लोग होते वो बहुत तंग नज़र लोग होते, ये एक हकीकत है, और ख़ास कर बेटी के हवाले से. मगर मेरे अब्बा हमें कोई एजुकेशन स्कूल में भी जाए कि ये लड़कों के साथ जाएंगे, मतलब वो रिवायात को तोड़ते थे. वकालत के शोबे में आने का शौक कैसे पैदा हुआ? बेसिकली मैं बहुत अब्बा से सवाल करती थी, आर्ग्यूमेंट करती थी, तो मेरे अब्बा कहते थे इसको तो लॉयर बनना चाहिए. बट मेरे बाबा बहुत, मेरे बाबा एक एग्नोस्टिक आदमी थे. ही वॉज नॉट लाइक बहुत बिलीव नहीं करते थे किसी चीज़ पे, पर वो जब अपने बच्चों को बिठाते तो बहाने से हाथ दे के कहते ये वकील बनेगी, ये आर्टिस्ट बनेगी, ये डॉक्टर बनेगा, इस तरह की चीज़ें बोलते थे ताकि वो हमारे फ्यूचर को सेट कर सके. बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड मेरे फादर को हो गया था बाइपोलर, वो बीमार रहने लगे थे और वो हम डिस्कवर नहीं कर पाए क्योंकि हम छोटे थे और मेरी अम्मा को भी समझ नहीं आता था, उनके हेल्थ का इशू था ना. वो तब रियलाइज नहीं होता था, वो जो मेडिकेशन होता था वो डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब नहीं कर पाए थे उनको. तो एज अ रिजल्ट उन्होंने जब मैं 13 ईयर्स की थी उन्होंने सुसाइड किया. ही वॉज अ हैवी पर्सन एट ऑल, तो हो गया इस तरह से. तो वो मेरा लाइफ बहुत चेंज की, मैं बहुत सेंसिटिव हो गई थी उसके बाद से और श्रिंक कर गई अपनी सोशल लाइफ 13 इयर्स से, बस अपने पे फोकस. और उनकी बात याद थी क्योंकि वे बहुत क्वेश्चन करती थी, तो वो कहते थे इसको लॉयर बनना चाहिए बिकॉज शी क्वेश्चन लॉजिकली नॉट इन लॉजिकल क्वेश्चन नहीं करती, तो मेरे सहन होता. मगर क्योंकि मेरे ट्राइब में कोई खातून वकील थी नहीं, तो मेरे अब्बू कहते थे कि आप वकील बनोगे तो आपके लिए हर दरवाजे खुल जाएंगे, आप खवातीन के लिए काम करना. जब मैं लॉ स्कूल में एनरोल हुई तो मेरे एक दोस्त थे शहीद कुल सरीन, जो 2016 में लॉयर्स अटैक जो क्वेटा में हुआ उसमें शहीद भी हो गए, उन्होंने मेरा फॉर्म्स वगैरह फिल करने में बहुत मदद की और मेरे माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. 2010 में जब मैं पास आउट हुई लॉ स्कूल से तो मैंने बार जो है ज्वाइन की और लीगल प्रोफेशन एज अ फुल टाइम लॉयर ज्वाइन किया.
और उसके साथ ही मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अमेरिकन बार एसोसिएशन रूल ऑफ रोली के साथ मैं कंसल्टेंसीज करती थी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को, स्पेशली इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, राइट टू फेयर ट्रायल, मैरिज डिस्प्यूट वगैरह को लेकर। तो जब मैं आई उस वक्त कोई भी खातून नहीं थी, तो मेरे फादर जो थे, मेरे जहन में था, मेरे फादर ने भी बताया था कि कोई खातून नहीं है। तो मैंने इनिशियली सोसाइटी से बहुत ज्यादा नेम शेम फील किया कि ये मर्दों में जाती है, मतलब कॉलेज में भी मैं सिर्फ फीमेल होती थी हजारा, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, बट आई डी ओवर इट। और मैं तो बताती थी, मैं ब्रिफली मर्दों में ही खड़ी हो रही थी, मैं कभी फीमेल बारों में नहीं बैठी, ना डी सहमी, बस उतर जाती। और हालांकि सोसाइटी ने मुझे बहुत नेम शेम किया, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया कि ये जो है गैर मर्दों में जाती है और ये और वो, बट मैंने फाइट किया। और आज जो है उनकी कई लड़कियां जो है लाई स्कूल में, जब मेरे अचीवमेंट्स आ गए, मेरा स्ट्रगल रंग लाया, तो लोगों ने फील किया कि जो होता है ये भी एक प्रोफेशन है, जीनियन प्रोफेशन है। तो उन्होंने भी अपनी लड़कियों को जो है इनरोल कर दिया, और एज अ रिजल्ट जो है वो नाउ आई एम हैप्पी के कुछ लड़कियां लाइव स्कूल में भी है। मुझे लगता है मेरे फाउंडेशन डिफरेंट टाइम में डिफरेंट चीज़ों ने शेक किया, ऐसा नहीं था एक ही टाइम में एक ही चीज़ ने। मिसाल के तौर पे मेरे अब्बा के बाद मैं हमेशा देखती मेरे अम्मा की बहुत ही स्ट्रगल थी, और आई रियली वॉन्टेड टू डू समथिंग। तो मैंने बहुत अर्ली एज में जॉब स्टार्ट किया, मतलब इस कॉलेज के बाद जो है मैं फिर डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाती थी बच्चों को, ताकि अपने अम्मा का बर्डन हम लोग कम कर सकें। फिर 2005 में मैंने एक चैरिटी स्कूल स्टार्ट की, साथ ही मैं मार्क्सिज्म पढ़ती थी, जो बुक्स थे वो तो मेरा बहुत, बुक्स बहुत पढ़ती हूँ। तो वहाँ मैंने सोशलिस्ट मूवमेंट शुरू की 2002 में, बहुत छोटी थी स्कूल लाइफ में। तो इराक और इराक की जंग शुरू हुई, यूएस ने, तो फर्स्ट टाइम मैंने प्रोटेस्ट, एंटी वॉर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, और मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो आके बम गिरा के चले जाते हैं। और जो अफगान रिफ्यूजीज़ की आमद हो गई 9/11 के बाद, उसने मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे क्वेटा जो है वो बिल्कुल बॉर्डर अफगानिस्तान के, तो सारे रिफ्यूजीज हमारे साइड आते थे, तो उनके डिफरेंट स्टोरीज होती थी, सब किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा। एंड आई वाज थिंकिंग, ऐसी दुनिया क्यों है, ये लोग क्यों गरीब है, मतलब व्हाई दे आर पुअर, दे डोंट हैव हाउस। और मुझे रोना आता था। फिर एंटी वॉर मैंने प्रोटेस्ट किया, तो मुझे लगा कि ही तो शायद उस टाइम भी मुझे सीजन में नहीं था कि इसके कितने इम्पेक्ट होते हैं दुनिया में, आप जब किसी खास के लिए खड़े होते हैं। मैंने 2005 में एक चैरिटी स्कूल में टीचिंग शुरू की, और मेरा वो इंटेंशन नहीं था कि मैं वहाँ से सैलरी लूँ, क्योंकि वहाँ मैं शू पॉलिश बच्चों को इकट्ठा करके और उनको पढ़ाती थी। वहाँ मुझे ह्यूमनिज्म की ट्रू मीनिंग पता चली, क्योंकि वो बच्चे बहुत गंदे होते थे, हमारे जो कुछ लोग थे, टीचर्स थे, वो बहुत स्टेटस कॉन्शियस होते थे कि ये बच्चे तो गंदे हैं, या इस तरह की चीज़ें जो उनके साथ, बट आई यूज़ टू शेयर फूड विद देम, उनके हाथ गंदे थे ये वो, पर मुझे कभी उनसे बीमारी नहीं हुई। एंड दे यूज़ टू शेयर विद मी उनका जो पर्सनल लाइफ थी। वहाँ मैंने 5 से 9 तक प्योरली ह्यूमनिज्म के ग्राउंड पे सीखा कि इंसानियत का जो मयार है वो क्या है। मैं बहुत ग्राउंड हो गई उनके साथ, ला प्रैक्टिस की, तो वो फिर मेरे अपने ट्राइब पे इतने अटैक्स शुरू हो गए, हालांकि मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, बट आपको आना पड़ता है कभी कभी। और बस मैंने औरतें ऑर्गेनाइज की, क्योंकि कबायली सिस्टम में औरत निकालना बड़ा मुश्किल काम है, मैंने सब औरतों को निकलवाया। आप हमें अपने वकालत के सफर के बारे में कुछ बताएं।
इनिशियली जो मैंने बार के लिए इनरोल जब हुई तो जो चैम्बर मैंने ज्वाइन किया वो दाऊद कासी साहब के थे, वो भी शहीद हो गए। वो बहुत जेंटलमैन थे एंड आई वाज द ओनली लेडी इन हिज चैम्बर। जब मैं गई तो उन्होंने कहा मैं तो खातून रखता नहीं अपने चैम्बर, तो मैंने कहा सर प्लीज मुझे रखे, मैं बहुत अच्छी मैं काम करूंगी ये वो। सो ही मुझे जगह दी उन्होंने अपने चैम्बर में, और वहां उन्होंने मुझे पहली बात ये सिखाई कि स्टे स्ट्रॉन्ग और अपने केसेस को प्रिपेयर करके जाना है, और कभी भी वेल ड्रेस्ड होके जो यूनिफॉर्म है उसको मतलब एज अ लीगल लॉयर आपने प्रेजेंट होना है, नोट क्या बन ठन के और हर चीज करके आ जाओ। इट्स नॉट मतलब ग्रूमिंग उन्होंने मेरी की। तो मैंने जो 2012 में मैंने लोअर कोर्ट का लाइसेंस लिया, और फिर 2015 में मैंने हाई कोर्ट का लाइसेंस लिया, और अभी तक मैं उसी बार से हूँ। और मेरा अभी 3 साल रहता है जो मैं सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस ले लूँ अपना एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। एंड आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट जो इनरोल हुई थी बार में। मेरी एज बहुत कम थी जब मैं बार में इनरोल हुई, और अचीव में स्टेप वाइज फिर मैंने किया था कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ में प्रोबोनो जो होता है फ्री लीगल एड सर्विस खवातीन को देती थी जिनके कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स थे, और जिनका जो घरों में जो है वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके हस्बैंड्स उनको घर से निकालते थे। ये सारे केसेस मैंने फ्री में किया। एंड ऐसा भी था कि मेरे ने क्योंकि घर सपोर्ट करती थी मेरे, मगर मेरी अपनी अर्निंग नहीं रही 2014 तक। मैं पैसा खुद नहीं कमाती थी क्योंकि मैं लोगों की मदद ही करती थी, उनको के केसेस प्रेजेंट करती, और अक्सर वो होते जो मुझे गरीब अप्रोच करते थे। फिर 2014 में ही मैंने एक जो एक केस हुआ बड़ा फेमस था, वो डॉन ने भी उसको कवर किया है। वो था कि जो एक टेररिस्ट ग्रुप बच्चों का पकड़ा गया, और वो मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया। उसमें 15 बच्चे थे जिनकी एज 11 से 15 साल के बीच था, और उन पर 82 उसके विटनेसेस थे, और 22 जो थे केसेस उन पे लगे हुए थे। तो जब उनको मीडिया पे प्रेजेंट किया कि ये बम ब्लास्टिंग और प्लांट करते थे हर जगह पैसे लेके ये हो, तो ये सारा करके जो है मैं जब उनको देखा वो बहुत गरीब थे। एंड देन आई आस्क्ड माय सीनियर लॉयर कि मैं इस केस में इंटरेस्ट ले रही हूँ, मुझे इसमें इंगेज करे। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने मुझे इंगेज किया उसमें, और ये पहला केस था एंटी टेररिज्म का जो फिर 2018 में ये केस फिनिश हुआ। और वो सारे बच्चे जो है जो बहुत गरीब थे, पूर थे और एज में कम थे, जो विनाइल थे, उनको हमने एक्विट कराया। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। इसके अलावा साथ साथ क्योंकि एक्टिविज्म भी जारी थी, सिर्फ लीगल प्रोफेशन नहीं था, तो ना सिर्फ मैं इन्फोर्स मिसिंग पर्संस के केसेस लेती थी बल्कि साथ ही जो है उसको क्या कहते हैं मिसिंग पर्सन के केसेस लेती थी, बल्कि साथ ही उनके साथ प्रोटेस्टों में जाती, उनके फैमिलीज के साथ बैठती, अपनी स्टेटमेंट देती। इसी तरह फिर अमेरिकन बार एसोसिएशन रूल ऑफ लॉ के साथ 2013 में मैं फिर जो टॉर्चर है कस्टोडियल टॉर्चर, ये हमारे यहाँ अमूमन लोग इसको डिस्कस नहीं करते। जैसे जब कोई बंदा गिरफ्तार होता है तो उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो हमारे यहाँ पुलिस कस्टडी में उनको मारा पीटा जाता है जो कि इन ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, और ये एक इनह्यूमन एक्ट है। तो हम इसके खिलाफ जो है कंपेन चलाते थे, और मैंने कई जो पुलिस और सिविल के लोग हैं उनके साथ कंसल्टेंसीज की कि हमने अपना जो प्रोसीजरल लॉ है इसको चेंज करना है, इसमें जो ये चीजें हैं। अगर कोई शख्स कस्टडी में विक्टम बनता है तो जो होना चाहिए इस पे पनिशमेंट होनी चाहिए जो इनको टॉर्चर करे, ये चीजें जो थी मैंने की। फिर मीनवाइल 2014 में ही फिर मुझे नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस जो है, मैं उनके साथ ये जो प्रशन थी हिंदू लड़कियों की उसको जो है फिर उनका जो लेजिस्लेशन था हिंदू कम्युनिटी का और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है पाकिस्तान का, उनके साथ उनके पर्सनल लॉ में आई वाज द ओनली फीमेल
हेल्प करती कि कैसे लेजिस्लेट होना चाहिए, कि जो फोर्स कन्वर्शन का है उसको एपीस किया जाए, कम किया जाए। जो छोटी कम उम्र बच्चिया होती है वो तो नासमझ होती है, वो भाग की शादी करती है, वो मुस्लिम बनती है, तो उसके बाद क्या होता है कि उनको वो कन्वर्ट हो जाती है। मगर क्योंकि लड़के इनको बेचते थे प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, तो ये बस जो है वो अपने फैमिलीज के पास नहीं आ सकते थे क्योंकि वो हिंदू होते या क्रिश्चियन। तो एक दफा तो इसलिए यही हुआ कि इतना प्रेशर हुआ, हमने वर्क किया है इन इन सीजेपी के साथ, इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो हिंदू मैरिज एक्ट बिल आया। क्योंकि मैं खुद हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखती थी, तो कम्युनिटी के साथ जो है मैं जो जितनी भी दहशत गर्दी के वाकयात होते हैं, सेक्टेरियन वायलेंस होते हैं, तो मैं फिर औरतों को इकट्ठा करती कि औरत का जो लीड हो वो होना चाहिए। क्योंकि जो मर्द होते हैं, जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है ये बेसिकली क्रिएटिव, ये पैट्रियार्की का पैदावार है, ये जो जंग का जो नरेटिव है, फिर कब्जागिरी का जो है, क्योंकि वो पैट्रियार्की जो है वो चीजों को अपना पर्सनल ऑनरशिप बनाना चाहते, चाहे वो औरत हो, चाहे रियासत हो, चाहे हर चीज हो। तो इसलिए जो है वो औरतों को हम आगे लाते कि इस सारे जन्म में आपका सवाल कहा है। तो एज अ रिजल्ट आपको पता है 2018 में देन आई वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक फॉर 5 days एंड कॉल टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने इंश्योर किया कि हजारा कम्युनिटी को कुछ नहीं होगा, और आज तक अल्लाह का शुक्र है दहशत गर्दी का खात्मा हो गया और जो हम पे हो रहा था। तो उसके साथ मैंने डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के साथ 2017 से उनके साथ भी काम करती, जैसे साइबर हैरेसमेंट में जितने भी होते हैं खवातीन, उनके प्राइवेसी ब्रीच होता है, सारे उनके केसेस भी मैं प्रोबोनो बेसिस पे जो होती है खवातीन को ना सिर्फ लीगल एडवाइस देती हूँ बल्कि साथ ही उनके केसेस में भी पेश होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनको इंसाफ मिले। क्या आप हमें हजारा कम्युनिटी के लिए अपनी जद्दोजहद के बारे में बता सकती हैं? हजारा कम्युनिटी के साथ गुज़श्ता 20 सालों से वो डिस्क्रिमिनेशन का भी विक्टिम रहे, वो जो है मोस्टली 85% ऑफ द कम्युनिटी दे आर शिया मुस्लिम और बाइसेक शिया है। तो वो जो पाकिस्तान में जो सेक्टेरियन वायलेंस का एक रुझान आया उसमें क्योंकि ये शक्लों से आइडेंटिफाइड होते थे, तो जो ग्रुप्स थे वो इनको जल्दी विक्टिम बनाते, तो ये चलता रहे जा रहा था, रुक नहीं रहा था। जैसे हमारे जो मार्केट्स में लोग थे, आपको पता होगा कि अलमदार रोड में बहुत बड़ा धमाका हुआ 2013 में जनवरी में, और 2014 के फरवरी में भी बहुत, नहीं जनवरी 2012 में और फरवरी 2013 में बहुत बड़े ब्लास्ट हुए हमारे एरियाज में। मुझे याद है जो ये फरवरी वाला हुआ था मेरे छाव में हुआ, तो वो मुझे डिप्रेशन की भी शिकार रहे, जैसा कि रात को मुझे बड़े डरावने ख्वाब आते थे। बट कहने का मकसद ये है कि वो स्ट्रगल जारी था, और फिर 2014 में पहली दफा हजारा खवातीन को मैं कोई प्रेस, नहीं 13 था या 12 था, पहली दफा मैं हजारा खवातीन को कोई प्रेस क्लब के सामने ले गई, ये 12 था, क्योंकि कबाइली लोग जो औरतें नहीं निकालते, तो हम लोग 500 के करीब औरतें गए और हमने पहली दफा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराई एज अ वुमेन। उस पर भी मुझे बड़ा नेम शेम हुआ। ये ऐसा नहीं है कि ये जो स्ट्रगल मैंने हजारा कम्युनिटी के लिए क्यों, ये आसान था क्योंकि हजारा कम्युनिटी में भी जब मर्द विक्टिम है दहशत गर्दी का, उसी सिनारियों में ही उसी हालात में भी मर्द जो है वो औरत को कमतर समझते हैं, वो उनको अपने बराबर नहीं समझते, वो उनके नैरेटिव्स को नहीं सुनते, क्योंकि वो डीप रूटेड जो पैट्रियार्की सोच है वो उसमें है। तो मुझे वो बड़ा प्रॉब्लम करती थी, मेरे रास्ते में ही आते थे, और मैंने वो कोशिश की कि तोड़ू और काफी कामयाब हो गई उसमें 2018। आपकी पहचान क्या है? मेरी पहचान मेरे फेमिनिज्म है, मेरा जो ह्यूमनिज्म है वो मेरी पहचान है, और आई फील पेन ऑफ एवरीवन। सामीन को आप क्या पैगाम देना पसंद करेंगी?
जी क्योंकि अपर क्लास औरत भी उतना ही सफर करती है जितनी लोअर क्लास की औरत, क्योंकि औरत होना इस सिस्टम में बड़ा मुश्किल काम है। कुछ को कल्चर के नाम पे, कुछ को क्लास के नाम पे वो रोकते हैं ना कि हमारा स्टेटस खराब होगा, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये बड़ी चीजें हैं। तो मैं उनको कहती हूँ सिर्फ ये रियलाइज करे दे एग्जिस्ट। जब वो रियलाइज करेंगे कि दे ट्रूली एग्जिस्ट, तो फिर वो अपने सारे रास्ते खुद बनाएंगे, वो किसकी सुनेंगे। उनके लिए जो रास्ते है ना, ये औरत खुद बनाएगी, और उसको ये जंग अपने घर से शुरू करनी है, अपने किचन से शुरू करनी है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो सिलेवरी का जो स्टार्ट है वो हमारा किचन है। जो वो सोचती है कि मैंने सिर्फ अच्छे खाने खिला के अपने शोहर को खुश करना है, नो, आपने अपने लिए खाना पकाना है। आप अपनी खुशी के लिए जो खाना पकाओगे अपने शोहर को खिलाओगे, सो इट्स समथिंग दैट दे शुड अंडरस्टैंड देयर ओन एग्जिस्टेंस सो दे कैन सिक्योर एवरीबॉडीज एग्जिस्टेंस। ये बहुत अहम है औरत इसको समझे। और हमारी जो जाती जंग है वो मर्दों के साथ नहीं है, हमारा जो जंग है वो पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ है, जहाँ औरत और एक टीवी में फर्क नहीं है ना। तो हम समझते कि औरत अपना एग्जिस्टेंस को समझे, देन दे कैन अचीव एवरीथिंग व्हाट एवर दे ड्रीम ऑफ। और लॉ ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो बड़ा जरूरी है। हम जितना बड़ा सोचेंगे खुदा हमें उतना ही देगा, जितना कम सोचेंगे, जितना महकूम सोचेंगे हम वही उतना ही महकूम रहेंगे। सो दिस इज माय मैसेज। थैंक यू जलीला हैदर, द आयरन लेडी ऑफ बलूचिस्तान।